महिला स्व सहायता समूहों के लिए ब्याज पर जो सब्सिडी मिलती थी इसको अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसी तरह समूह की जिन सदस्यों के पास जनधन बैंक खाता है उनको 5000 रुपया तक के ओवरड्राफ्ट की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। अब किसी साहूकार से ज्यादा ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपके खाते में एक भी पैसा जमा नहीं है तब भी आप 5000 रुपये अपनी जरूरत के लिए उससे निकाल सकेगी। ये एक प्रकार से आसान ऋण है जिसकी सुविधा जनधन खाते पर आपको मिलेगी। इसी तरह मुद्रा योजना के तहत भी हर स्व सहायता समूह की एक महिला सदस्य को 1 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा। इससे आपको अपना कारोबार शुरू करने या फिर उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, मुद्रा योजना बहनों को उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अभी तक देशभर में करीब 20 करोड़ ऋण बांटे गए हैं। इनमें से लगभग 14 करोड़ ऋण हमारी बहनों और बेटियों के हाथ में गए हैं। महाराष्ट्र में भी मुद्रा योजना के 1.5 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभार्थी हमारी माता बहने हैं। महिला उद्यमशीलता के क्षेत्र में आ रहे इस बदलाव को हमें और तेज करना है और मजबूत करना है। इसके लिए सरकार के स्तर पर जो भी कदम उठाने होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। साथियों, स्वयं सहायता समूह के रूप में आप आर्थिक सशक्तिकरण के मजबूत माध्यम तो है ही, आप सामाजिक परिवर्तन की भी अहम पहरी है। बेटियों का जीवन बचाने से लेकर उनकी पढ़ाई और उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। यहां देवेंद्र जी की सरकार ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है। लेकिन सिर्फ सरकारी योजना और कानून ही काफी नहीं है, हमें बेटियों के प्रति समाज की सोच में व्यापक परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसमें आप बहन बेटियों की भूमिका भी अहम है। हाल में आपने देखा है कि मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से निजात दिलाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया गया है। अब आपको समाज के भीतर इस कानून को लेकर जागरूकता फैलानी है। साथियों, समय से पहले जब लक्ष्य हम हासिल करते हैं तो बड़े संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला अपने आप बढ़ जाता है। जब ईमानदारी से काम किया जाता है, जब साफ नीयत से काम किया जाता है तो प्रयासों में भी कोई कमी नहीं रहती है। आप सभी चंद्रयान को लेकर जो हुआ उससे भलीभांति परिचित होंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें एक बाधा आ गई। इस मिशन के लिए
वैज्ञानिक काफी समय से मेहनत कर रहे थे। भाई और बहनों, कल रात और आज सुबह मैं उनके बीच था। वो भावुक थे लेकिन साथ साथ ही बुलंद हौसले से भरे हुए थे कि अब और तेजी से काम करना है। जो हुआ उससे सबक लेकर सीख करके आगे बढ़ना है। इसरो जैसी प्रतिबद्धता के साथ ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। साथियों, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही लगनशील लोगों की प्रतिबद्धता के चलते देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देना, ऐसे अनेक काम समय से पहले पूरे हो चुके हैं। अब बहुत जल्द पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि 2022 में जब हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब के लिए हमने जो संकल्प हमने लिए हैं वो संकल्प जरूर पूरे होंगे। भाइयों और बहनों, 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लक्ष्य की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक देश के गांवों और शहरों में लगभग 1,80,00,000 घर बन चुके हैं। लाभार्थी उसमें रहने के लिए चले गए हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गरीबों के घर की योजना तो पहले भी चलती थी, फंड पहले भी थे, लेकिन आपने इसमें अलग क्या किया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इस बात को समझते थे कि हमें हाउस नहीं बल्कि होम्स का निर्माण करना है। 4 दीवारी से घिरे मकान नहीं, आपके सपनों का घर बनाना है। हम ऐसे घर बनाना चाहते थे जहां सभी सुविधाएं भी मौजूद हो, यानी घर के नाम पर 4 दीवारें खड़ी करने के तौर तरीकों से अलग हमें कुछ बेहतर करने की जरूरत थी। हमारी कोशिश कम से कम समय में बगैर किसी ज्यादा लागत के अधिक से अधिक सुविधाएं देना, यह हमारा इरादा था। साथियों, हमारी सरकार ने जो घर बनवाए उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं अपनाया कि जो कागज पर ढाल दिया वैसे ही घर पूरे देश में बनने चाहिए, जी नहीं, बल्कि इसके विपरीत हमने घरों के निर्माण में स्थानीय लोगों की जरूरतों और वहां के लोगों की इच्छा को भी केंद्र में रखा, उसी को ध्यान में रखते हुए मकान बनाने की योजना बनाई। घर में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया ताकि उन घरों में बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय और ऐसी तमाम सुविधाएं भी साथ के साथ मिल सके। ये घर लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बन सके, इसके लिए हमने आप लोगों की जरूरतों को सुना। इसके बाद ना सिर्फ घर का एरिया बढ़ाया गया बल्कि निर्माण राशि में भी बढ़ोतरी की गई। हमने इस प्रक्रिया में स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों को भी शामिल किया, जैसी अनेक महिलाएं भी आज अगर झारखंड जाएंगे तो रानी मिस्त्री शब्द सुनाई देगा आपको।
बिना किसी अतिरिक्त लागत के कम से कम समय में घरों की डिलीवरी हो, इस पर भी हमने फोकस किया। इसके लिए टेक्नोलॉजी को एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाया गया। भाइयों और बहनों, हमने उन लोगों के सपनों को भी बल देने की कोशिश की जो अपना घर खुद खरीदने की इच्छा रखते हैं। सस्ते मकानों को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने होम लोन पर 1.5 लाख रुपए के ब्याज पर आयकर में अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया ताकि मध्यम वर्ग का परिवार अपना घर बसा सके। साथियों, हमारा जोर पारदर्शिता पर भी रहा। घरों के निर्माण के अलग अलग चरण की तस्वीरों को ऑनलाइन अपलोड किया गया। पारदर्शी तरीके से प्रशासन को सही जानकारी उपलब्ध कराई गई। पैसों के डायरेक्ट ट्रांसफर के कारण कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई और हर कोई संतुष्ट दिखा। यही नहीं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता की बहुत कमी थी। इससे घर खरीदने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने रेरा कानून लाकर घर खरीदने वालों के मन में विश्वास भरने का काम किया है। आज अधिकतर राज्यों में रेरा कानून नोटिफाई किया जा चुका है। ट्रिब्यूनल भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों नए फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो घर को लेकर हमने होलिस्टिक अप्रोच से काम किया है। अगर हम अलग अलग एक एक योजना के साथ सामने आते तो इतनी बड़ी सफलता मिलना मुश्किल था। बड़े पैमाने पर समाधान तभी संभव है जब सारे विभाग, सारे फैसले एक बड़े लक्ष्य को सोचकर किया जाए। सारे मंत्रालय और सारी योजनाएं मिलकर एक ट्रैक पर काम करें, यही हमारे सरकार के कामकाज की पहचान रही है। टुकड़ों में नहीं, समग्रता में सोचो और सबको इकट्ठा करके काम करो। साथियों, पिछले 5 वर्षों में स्वच्छता से लेकर बैंक से लेन देन तक समाज के व्यवहार में परिवर्तन के जितने भी जन आंदोलन हुए हैं उसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। यही कारण है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए भी जो संकल्प लिए गए हैं उनकी सिद्धि के लिए आप पर मुझे बहुत भरोसा है। ये विश्वास निरंतर मजबूत होगा। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या में त्योहार के दिन माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद देने के लिए आना, ये हमारे लिए अपने आप में एक शक्ति की अनुभूति है। इस मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।